अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ का एक नया चैप्टर नोन एज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये नाइन्थ का चैप्टर है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। और आप सब ने डाइवर्सिटी टर्म सुनी होगी, बिकॉज डाइवर्सिटी इज यूज इन एवरी सब्जेक्ट। डाइवर्सिटी हर किसी सब्जेक्ट में यूज होती है। जस्ट लाइक आपने सुना होगा कल्चरल डाइवर्सिटी, या हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन केस ऑफ लैंग्वेज, या हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन केस ऑफ रिलीजन। तो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, या डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटीज। डाइवर्सिटी वर्ड जो है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वैरायटीज। बहुत सारी वैरायटीज जब होती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोलॉजी। सो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लिविंग बींग्स। तो हम यहाँ पे सिंपल टर्म डाइवर्सिटी यूज नहीं करते हैं। वी आर यूजिंग अ न्यू टर्म विच इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। वी आर यूजिंग द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट वैराइटीज, वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, दैट्स नोन एज बायोडाइवर्सिटी। और जो एक टर्म बायोडाइवर्सिटी है, दैट वॉज क्वाइनड बाई वॉल्टर जी रोजन इन 1985। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज क्वाइनड बाई एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट which is known as Walter G. Rose in 1985. ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसमें सारे प्लांट्स आते हैं, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, और इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जस्ट लाइक इट विल इंक्लूड एम्फीबियंस, इट विल इंक्लूड रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एंड एवरी फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम अंडर द बायोडाइवर्सिटी। और सेकेंड पॉइंट, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या इसका कोई रोल है? यस, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स अ इकोलॉजिकल बैलेंस इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो बैलेंस होती है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अब हम स्टडी करेंगे कि कितनी स्पीशीज अर्थ पे है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ देयर आर अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज। जो प्लैनेट अर्थ है, इस पे कितनी स्पीशीज है? अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज। बट स्टिल वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड एंड डॉक्यूमेंटेड और आइडेंटिफाइड ओनली 1.3 मिलियन स्पीशीज। कितनी स्पीशीज है टोटल? 8.7 मिलियन स्पीशीज टोटल है, लेकिन हमने कितनी डिस्क्राइब की है? ओनली 1.3 मिलियन स्पीशीज। दैट मीन्स वी हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड ओनली 15%। हमें अभी 85% डिस्क्राइब करनी है और आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर हुआ? नाउ आप जो ये इतनी स्पीशीज है, हम इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन स्टडी दी स्पीशीज वन बाय वन। सो वी अडॉप्ट अ प्रोसेस विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। आई विल जस्ट गिव अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर हमें स्कूल में होंगे अबाउट 500 स्टूडेंट्स, हम इनको ऐसे ही पढ़ाते नहीं हैं। हम इनको क्या करते हैं? हम स्कूल को कहते हैं डिवाइड इनटू क्लासेस। हम क्लासेस को फिर डिवाइड करते हैं इनटू सेक्शंस, ताकि हमें इजी हो जाएगा। स्कूल बड़ा होता है, क्लासेस छोटे होते हैं, और सेक्शंस उससे छोटे होते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं? हम लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, दैट्स कॉल्ड किंगडम। उसके बाद जो छोटा होता है, दैट्स कॉल्ड फाइलम और डिवीजन। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इट मींस दैट सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है, दैट्स किंगडम, और सबसे छोटा ग्रुप जो होता है, दैट इज स्पीशीज। तो ये स्टेप्स बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हूज कंसेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लिनियस। So we divide the living organisms into different groups so that it becomes easy for us to study them, or it becomes easy for us to identify them, or it becomes easy for us to make relationships
among the different living organisms. Now we will see the five kingdom system of classification. हमने क्लासिफिकेशन बोला, क्लासिफिकेशन क्या हुआ? All the living beings are classified into five broad groups, which are known as five kingdoms. This classification was proposed by an American ecologist, which was named as R. H. Whitaker, or Robert H. Whitaker in 1969. He classified the living organisms as prokaryotes and eukaryotes. तो यहाँ पे इसने एक किंगडम बनाई, इसका नाम है किंगडम मोनेरा और इसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा. यू शुड रिमेम्बर दैट दीज बोथ किंगडम्स आर यूनिसेलुलर. ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है, दीज आर प्रोकैरियोट्स, दीज आर यूकैरियोट्स. क्लियर? ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, बट दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स. दिस नोन एज किंगडम मोनेरा एंड दिस इज नोन एज किंगडम प्रोटिस्टा. इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, बट ये जो किंगडम फंगी है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है. दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे आर हेटेरोट्रॉप्स. लेकिन जो किंगडम प्लांट है दे आर ऑटोट्रॉप्स. आई विल रिपीट अगेन दिस फ्लो चार्ट. इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिविंग बींग्स आर क्लासिफाइड इन टू किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा. दे आर बोथ यूनिसेलुलर, but kingdom monera are prokaryotes and kingdom protista are eukaryotes. The eukaryotes are further divided into three major kingdoms: kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia. But these all the three kingdoms are, they are multicellular. In these three kingdoms, the fungi and plantae, in these kingdoms the cell wall is present, but in animalia cell wall is absent. But you should remember that kingdom fungi is heterotroph, while the kingdom plantae is autotroph. The kingdom protista hai, it was Ernest Haeckel. Aur jo kingdom fungi hai, that was introduced by Carolus Linnaeus. And this was a five kingdom system of classification. Ab hum kya karenge isme, ab hum isme ye teen abhi study karenge, because they are easy. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी. प्लांटी और एनिमेलिया जो है वी विल टेक देम सेपरेटली. फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, किंगडम मोनेरा जो है दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं. सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, मे बी present or absent. इसमें सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है या एबसेंट भी हो सकता है. इसमें एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड स्पाइरोचीट्स. क्लियर? ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है दे आर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स हैं, बट दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर ये दोनों हैं. किंगडम प्रोटिस्टा आर दे आर यूकैरियोट्स, दे आर यूनिसेलुलर. थर्ड पॉइंट, they are mostly found in the aquatic habitats. They are mostly found in the aquatic habitats. ये पानी में पाए जाते हैं. और fourth point, cell wall may be present or absent. इनमें cell wall present भी हो सकता है, absent भी हो सकता है. और ये locomotion दिखाते हैं with the help of cilia, flagella or by pseudopodia. इसमें example हैं amoeba, paramecium और euglena. Clear? अब उसके बाद है kingdom fungi. किंगडम फंगी जो है, किंगडम फंगी दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. मींस दे आर हेटेरोट्रॉप्स, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है. एंड दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर नॉन ग्रीन, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है. द सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट वो किसका बना होता है? वो काइटिन का बना होता है. क्लियर? लेकिन यहां पे जो किंगडम मोनेरा है इसमें जो सेल वॉल होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट्स कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. फंगी जो है इसमें एग्जांपल आता है मशरूम, मॉर्चिला, पेनिसिलियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड दिस वाज, दीज वर द कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी. एंड वी विल टेक द प्लांटी एंड एनिमेलिया इन नेक्स्ट लेक्चर. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक्स.